एवरीवन, देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ रॉकेट के ऊपर है। देखो बड़े ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज होगा इसमें। देखो कैसे कहता है, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप। देखो एक रॉकेट है फायर्ड हुआ है वर्टिकली अप, ठीक है, इस ऊपर वाली डायरेक्शन में, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ इंजन विच लास्ट फॉर 50 सेकेंड। ठीक है, टाइम है मतलब किस टाइम के पीरियड के बीच में ये उड़ रहा है ऊपर, 50 सेकेंड तक का जो फ्यूल है इसके अंदर, ठीक है, तो टाइम है 50 सेकेंड तक, ठीक है, जब तक वो ऊपर फायर्ड हुआ है, ठीक है, यानी कि वर्टिकली अब जाता जा रहा है 50 सेकंड तक उसके अंदर फ्यूल है। अब इस चीज़ को समझना, 50 सेकंड तक उसका फ्यूल है तो ऑब्वियस बात है वो यहाँ तक उसने बर्नआउट किया होगा, ठीक, लेकिन ये तो नहीं है अब यहाँ तक उसका, ठीक है, बर्न हो गया, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो तो अपवर्ड ही है, तो ऑब्वियस बात है जब तक वो जीरो नहीं होगी तब तक ये ऊपर चलता रहेगा, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब यहाँ फाइनल जीरो हो जाएगी तब ये वापस मुड़ेगा, ठीक है ना, इस बात को समझो। यहाँ तक तो क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है 50 सेकंड तक, तो फ्यूल बर्न हो रहा है, वही बोल रहा है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द इंजन विच लास्ट फॉर 50 सेकंड, 50 सेकंड तक हुआ। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 20 g, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 20 g a लग रहा है ऊपर की तरफ, और रॉकेट भी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि अपवर्ड मोशन कंसिडर कर रहे हैं और अपवर्ड ही उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। इज ऑब्जर्व व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द एंड ऑफ 50 सेकंड, स्पीड पूछ रहा है, तो 50 सेकंड पे क्या होगी उसकी एंड ऑफ द 50 सेकंड, मतलब यहाँ तक, मतलब ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी रॉकेट की, ठीक है, तो सबसे पहले ये हम निकालते हैं। देखो इसके अंदर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है, जीरो है, और इस बी पॉइंट पे हमें क्या करनी है, वी को फाइंड आउट करना है, ठीक, समझ रहे हो ना ये बात, तो यू है, वी है, ए है और टी है, तो वी इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन हम लगा सकते हैं इसमें, तो वी निकालना है हमें, यू है जीरो और ए इसमें देखो प्लस का ही लेंगे, 20 g लेंगे और टाइम कितना लेंगे, 50 है, क्यों 20 g प्लस का लिया, आप कहोगे अपवर्ड है ये, तो अपवर्ड में तो g माइनस का होता है, वो कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g होता है, समझ, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है नीचे की तरफ, तब वो हम जो है अगर अपवर्ड मोशन ले रहे हैं तो वो माइनस का लेते हैं, और जब डाउनवर्ड मोशन लेते हैं तो वो प्लस का लेते हैं, समझ रहे हो, वो g की कहानी होती है सिंपल। यहाँ तो एक्सेलरेशन रॉकेट का बता रहा है वो, किस एक्सेलरेशन से रॉकेट ऊपर जा रहा है, ना कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, अपवर्ड मोशन है रॉकेट का और उसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड ही होगा तो तभी वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन वो है, तो अगर हम यहाँ देखें एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन वही है और उसके मोशन की भी डायरेक्शन वही है, तो ये प्लस में रहेगा, ये चीज़ याद रखनी है। जो जी माइनस का होता है वो कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है जब हम वो कंसिडर करते हैं, यहाँ तो हम एक्सेलरेशन इसका रॉकेट का कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है, जब कोई चीज़ हम ऊपर थ्रो करते हैं तो हम कहते हैं उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तब वो हम माइनस का लेते हैं कि हम अपवर्ड फेंक रहे हैं कोई चीज़ को, यहाँ हम बात फेंकने के, हमने तो किसी एक एक्सेलरेशन हम जो कह रहे हैं वो रॉकेट का है, इतना है, बहुत ज़्यादा है ये तो, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा है ये, ठीक, तो ये 20 g है और जी की वैल्यू लेनी है आपने 9.8, यही चीज़ देखो बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है इसमें, ये माइनस ले लेते हैं यहाँ पर बच्चे, ठीक है, उनको लगता है अपवर्ड मोशन है और सर ने बताया हुआ जी तो माइनस में लेते हैं एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लेते हैं, ये तो एक्सेलरेशन किसका दिया हुआ है, रॉकेट का, तो रॉकेट भी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन भी ऊपर जा रहा है तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है, तो 20 × में जी कितना है हमारे पास 9.8 है और ये 50 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, 10 ये इससे कट गया तो ये कितना बन गया आपके पास 5 × 10 100 हो गया, 9800 वी आ गया इसका मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड को, यही बात पूछा था वो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द एंड ऑफ द 50 सेकेंड, तो एट द एंड ऑफ 50 सेकेंड है, वी एट द एंड ऑफ 50 सेकेंड है ये, ठीक है, बात इतनी बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब मेन कहानी शुरू हो रही है, कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच द रॉकेट विल राइज बिफोर इट बिगेन टू फॉल बैक, अब वो फॉल बैक होने से पहले उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन किया, वो ये है सी, मतलब क्या, ए से बी तक तो फ्यूल बर्न होता रहा तो उसको वेलोसिटी मिलती रही यहाँ तक, अब उसके बाद एकदम जीरो तो नहीं होगी वेलोसिटी, अब वो थोड़ा ऊपर तक जाएगा या नहीं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने इंजन बंद कर दिया चलाते चलाते, तो ये तो नहीं है गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी एकदम, क्या होगा, थोड़ी दूर जाके रुकेगी ना, तो वही चीज़ है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इंजन बंद हो गया, मतलब पूरा बर्न हो गया जो फ्यूल है उसका अंदर का, ठीक है, तो यहाँ जो ये लिखा हुआ ना ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ इंजन का मतलब क्या, फ्यूल बर्न हो गया यहाँ पर, तो उसके बाद भी तो ये ऊपर तक जाएगा ना थोड़ा, फिर जहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तब आएगा ये बाहर, यहाँ ये वी कौन सा लिया था मैंने, ए और बी के लिए लिया था वी, समझ रहे हो, अलग अलग दो पार्ट में हम इसको कंसीडर करें, अगर ए बी और बी सी, तो ए बी में ये यू है और ये वी है, जब मैं बी सी को कंसीडर करूँगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए ये बातें, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो अब यहाँ हम लिखते हैं हाइट ए टू बी की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है, ए टू बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो ज़रा, अगर हम फॉर्मूला लगाएं इसमें एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर वाला, तो एस वन हम मान लेते हैं इसको, इतने पार्ट को हम एस वन मान लेते हैं, ऊपर वाले पार्ट को एस टू मान लेते हैं। तो एस वन मान लिया हमने, यू इसमें ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो गया ये पूरा का पूरा टर्म यू टी वाला, प्लस में हाफ ए कितना है इसमें 20 जी है और प्लस का ही लेंगे बिकॉज अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड में एक्सेलरेशन है, और टी कितना है इसमें 50, तो ये 50 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर देखो 1/2 इंटू में 20 इंटू में 9.8 हो गई जी की वैल्यू, और 50 इंटू में 50 कर देंगे, दो बार करेंगे अगर इसे, तो ये आ गया हमारे पास। और यहाँ से देखो ज़रा आप, ये 9.8 है, इसका पॉइंट हटेगा तो ये 10 लग जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास 2500 इंटू में 98। इसको आप कर लो ज़रा, 98 को 25 से करो, 49 हो गया ये, 16, 18 और ये 19, 0 ये 15 और ये 13, 14 और ये 2, तो यार आपके पास 2450 और ये दो जीरोस ये वाली भी हो गई। ठीक है, इतना मीटर, तो यानी कि ये हो गया 245 किलोमीटर। ठीक है ना, 1000 है ना, देखो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये मीटर को किलोमीटर में करना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना तभी तो किलोमीटर में बनेगा, 2450 है तो मीटर में है, 1000 से डिवाइड किया तो किस में आ गया, ये किलोमीटर में आ गया, 245 किलोमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम, जब हमने हाइट की इसमें कंसीडरेशन कर रहे हैं बी टू सी की, अब देखो जब बी टू सी की कंसीडरेशन की हमने, तो यहाँ पर ये इसकी u बन जाएगी और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी ये ज़ीरो बन जाएगी। अब ये u कौन सा रहेगा जो यहाँ ये पहले का v बना था, तो पहले का v क्या बना था यहाँ पर, ये था। ठीक है, तो अब इसमें ये u बन जाएगा 9800 मीटर पर सेकंड, और v क्या बन जाएगा इसमें, ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब क्या आ जाएगा, देखो अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ टाइम ही नहीं है हमारे पास, बी टू सी के लिए टाइम नहीं है, ए से बी का तो पता था 50 सेकंड का टाइम है, बी टू सी का नहीं पता, तो यानी कि अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ही बचती है इसमें, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू में 2as वाली। ठीक है, तो इससे कर लेते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो जरा, वी कितना होगा हमारे पास, ये जीरो का स्क्वेयर माइनस में यू कितना है हमारे पास, ये 9800 का क्या है इसमें हमारे पास, ये स्क्वेयर है। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपके पास 2, और ए इसमें अब क्या रहेगा, जी रहेगा। अब क्यों रहेगा, ये देखो 50 सेकंड तक फ्यूल बर्न हो रहा था, इसका मतलब इंजन की जो पावर थी वो 15 सेकंड तक थी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ले रहे थे हम। ठीक है, अब उसके बाद तो क्या हो गया, ये फ्री हो गया। अब ये किसके इफेक्ट में जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया, तो वो होती है डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो ये जा रहा है अपवर्ड, तो अब यहाँ पर जी लेंगे हम क्या, माइनस का लेंगे यहाँ पर, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या ले लेंगे अब हम, माइनस का जी, और ये हम एस टू मान लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 9800 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो ये आप ऐसे मान लो 9800 इंटू में 9800 ऐसे लिख लो, और ये 2 इंटू में ये क्या है हमारे पास, माइनस जी मतलब माइनस का 9.8, ये हम नीचे ले आते हैं 2 इंटू में, और माइनस ये लगा दिया, और जी का 9.8 ऐसे कर लेते हैं, और ये एस टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा आप, माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, और ये पॉइंट जब हम हटाएंगे तो 10 लगेगा, वो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 98 10 लग गया ना ये हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास अब 100 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपके पास, 9800 ये है और 1000 ये है, 1000 ठीक है इज इक्वल टू एस टू, और ये 2 है, और ये 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 4 8 2 9 18 एंड 2 0 ही हो गए। ठीक है, तो कितना बन गया ये, 49 12 और 1 2 3 ठीक है एस टू, ये मीटर में आ गया, इसको भी किलोमीटर में बनाना है, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 0s कट जाएंगे, कितना आ गया ये 4900 किलोमीटर एस टू आ गया। ठीक है, तो टोटल जो हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो क्या होगी बताओ ज़रा, एस वन प्लस में एस टू होगी, और S1 कितना आया है 245 और प्लस में ये 4900, ऐड कर दो इनको, 4900 में 245 ऐड करो, 45 ये 11 और ये कितना आ गया 5145 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा रॉकेट। बताओ समझ में आया, बिल्कुल ध्यान देना था इसमें, देखो प्लस माइनस में बच्चों की गलती होती है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन किसका था, रॉकेट का था ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो ये प्लस में 20 जी लिया था, और जब ये इसका फ्यूल बर्न हो गया 50 सेकंड के बाद, तो उसके बाद ये कौन से एक्सेलरेशन के अंडर आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और अपवर्ड जा रहा है तो जी क्या लेंगे हम यहाँ पर, माइनस लेंगे जब हम एस टू निकाल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो ये क्वेश्चन आता था आपको, लेकिन इसमें ये कंफ्यूजन होती है प्लस माइनस वाली, तब मैंने आपको ये बताया।
ठीक है सिंपल क्वेश्चन, कर लोगे इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके थैंक यू।